तो मेरी जो सोच है वो ये है कि वो एक ऐसी रूपरेखा बनाई जाए, एक ऐसी योजना बनाई जाए जहाँ पे बताया जाए कि भाई अगर इतने लाखों की ये सिटी है तो उसके हिसाब से यहाँ पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं एक राजनीतिक परिवार से भी जुड़ा हूँ, मेरे पिताजी एक पर्टिकुलर पार्टी में हैं, तो उनकी भी जो सहमति लेकर आज उनसे बात कर कर कल कोई निर्णय पर पहुँचूंगा मैं। तो विजन फेराडाइज का मतलब यही है कि यहाँ पे हर तरह की जो फैसिलिटीज़ हों वो मुहैया हों, और सरकार और जो भी आपका जो सरकार का तंत्र है ये बढ़िया मुस्तैदी से अपना काम करें और सभी लोगों के जो हैं उसमें हर तरह से काम हो। तो मैं सोचता हूँ कि अगर किसी गोल पर पहुँचूँगा, कहीं मुकाम पर पहुँचूँगा, तो मैं इन सब की आशाओं पर खरा उतरूँगा। एक निष्काम भाव से एक प्रयास मैंने जो किया है कि भाई फरीदाबाद के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ योगदान किया जा सके। 25 तारीख को वोट डालनी है यहाँ पे सबने, हमने मिलकर, तो उसी विषय में आज मैंने सभी अपने जो मेरे परिवार के सदस्य है, सदस्य जो मेरा फरीदाबाद का जो निवासी हूँ मैं समझता हूँ वो मेरा परिवार का सदस्य है, क्योंकि मेरी नियत साफ है। मेरे को कोई अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं है मेरा, सिर्फ एक ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने लोग साथ जो जुड़े हुए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, हो सके तो अपने देश के लिए कुछ करूँ ताकि जो अपने जीवन को मैं सफल बना सकूं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं फरीदाबाद में हूं। जी हां, इलेक्शन का माहौल है और आम चुनाव 2024 की तैयारी पूरे जोरों पर है। फरीदाबाद में मैं इस समय हूं। मेरे साथ मनमोहन बढ़ाना है, आप सभी जानते होंगे, इनके पिताजी पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, करतार बढ़ाना जी एक जानी मानी शख्सियत हैं। अब मनमोहन बढ़ाना जी से आज हम कुछ चर्चा करने आए हैं, सिर्फ फरीदाबाद की बातें करेंगे, क्योंकि उनका एक मिशन उन्होंने चलाया था, मिशन फेराडाइज। तो क्या है मिशन फेराडाइज और क्या उनका विजन है, उस पर पूरी विस्तृत चर्चा मैं आज आपके सामने लाने वाला हूं। तो हमसे जुड़े रहिए और पूरे इंटरव्यू को आप इंजॉय करिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि मिशन फेराडाइज क्या है, और मतलब क्या है ये फेराडाइज, एक ये सपनों वाला है कि, क्योंकि जब हम देखते हैं अभी जो हालत है फरीदाबाद की, तो बारिश होने दीजिए यहाँ यहाँ तक पानी भर जाता है और आप फेराडाइज की बात कर रहे हैं। पहले तो ये जो है मिशन नहीं है, विजन है। विजन तत्, और उसके आगे भी तत् एक शब्द लिखा हुआ है जिसका जो अर्थात है कि भाई निष्काम भाव से। तो एक निष्काम भाव से एक प्रयास मैंने जो किया कि भाई फरीदाबाद के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ योगदान किया जा सके, तो उसमें हमारी जो सोच है या सोच थी कि ये भी फरीदाबाद को एक ऐसे आयाम दिए जाएं जो एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन सके। जिस तरह से आपने कहा, पानी की जो यहाँ पे समस्या है, सीवरेज की जो समस्या है, पॉल्यूशन की है, बहुत सारी थी और हैं, और शायद आगे कोशिश ये रहेगी कि उन पर हम काम करें और फरीदाबाद को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का हमारा जो एक विजन है। तो विजन फेराडाइज का मतलब यही है कि यहाँ पर हर तरह की जो फैसिलिटीज़ हों वो मुहैया हों, और सरकार और जो भी आपका जो सरकार का तंत्र है ये बढ़िया मुस्तैदी से अपना काम करें और सभी लोगों के जो हैं उसमें हर तरह से काम हो। फरीदाबाद की बात करें तो 100 जो स्मार्ट सिटीज़ में फरीदाबाद का भी नाम आता है कि भाई हाँ 100 स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी, तो उसमें एक फरीदाबाद भी नाम है। तो फरीदाबाद अपने आप में एक बहुत सुंदर शहर भी है अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर वहीं सीवेज और ये सारी चीज़ों की मैं बात करूँ जो कहीं ना कहीं इसको पीछे खींच के ले जाते हैं, तो उसके लिए आपका क्या विजन है, किस तरीके से आप किस दिशा में काम करेंगे? क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स में आने पे आदमी इस तरीके की बात करता है कि मैं आसमान ये दिखा दूंगा, तारे वो वाले दिखाऊंगा, वो ग्राउंड वाला जो वर्क है वो बताइए आप। देखिए, बहुत ही आसान है किसी भी सरकार की आलोचना करना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियाँ रह जाती हैं, सारे काम सबके नहीं हो पाते। और मैं आपको एक बात बता दूँ, फरीदाबाद जो है वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड है, मतलब यहाँ पे जो आबादी है आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जिस तरह से यहाँ पे आबादी बढ़ रही है तो उसके हिसाब से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया गया था पहले से भी और ना अभी है। तो मेरी जो सोच है वो ये है कि वो एक ऐसी रूपरेखा बनाई जाए, एक ऐसी योजना बनाई जाए जहाँ पे बताया जाए कि भाई अगर इतने लाखों की ये सिटी है तो उसके हिसाब से यहाँ पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे सीवेज की बात हो, चाहे एक ड्रिंकिंग वाटर की बात हो। मतलब सोच ये है कि हर चीज़ को सोच समझ कर ही उसको आगे जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाए। एक आपके क्वेश्चन में से ही मैं क्वेश्चन लूँगा कि आप कह रहे हैं कि मोस्ट ग्रोइंग सिटीज़ में से एक है, मतलब पॉपुलेशन के लिहाज से, तो आप जो पॉपुलेशन है उसको एक
अभिशाप मानते हैं या फिर वरदान मानते हैं कि भाई वो मैन पावर मिलेगी वो नई जनरेशन और पूरी ग्रोथ के साथ, या फिर वो अभिशाप है कि भाई एरिया इतना नहीं है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और लोग बाग, किस तरीके से मानते हैं? नहीं नहीं, अभिशाप नहीं मानता मैं तो बिल्कुल भी। ठीक है भाई, दिल्ली के नज़दीक होने के कारण शायद फरीदाबाद जो है इस तरह से समस्याओं से जूझ रहा है कि वहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली के चारों तरफ ज़मीन का रेट अगर फरीदाबाद में देखेंगे वहाँ देखेंगे तो बहुत फ़र्क नज़र आएगा। तो शायद यही कारण है कि फरीदाबाद में ज़्यादा लोग यहाँ पे बसने आ जाते हैं और बाहर बाहर से भी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि अगर फरीदाबाद की ऐसी स्थिति है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से डेवलप किया जाए कि अगर वहाँ पे 500 करोड़ की ज़रूरत है तो 500 करोड़ ही लगे, अगर 5000 करोड़ की ज़रूरत है तो 5000 करोड़ लगे, लेकिन वो सभी को सहूलियतें मिले एक तरीके से, यहाँ पे सभी का जीवन यापन हो और मूलभूत सुविधाओं की कमी ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, लोग काम में लगे हुए हैं यहाँ पे, जितने भी आबादी बढ़ रही है कहीं ना कहीं कोई रोज़गार में अपना लगा हुआ है। आप देखते होंगे सुबह आप दिल्ली से आएंगे 8 और 10 के बीच में, यहाँ से हजारों मोटरसाइकिल, हजारों क्या लाखों कहूँगा मैं, लाखों मोटरसाइकिल लाखों गाड़ियाँ दिल्ली की तरफ जा रही होती हैं। शाम को जब आप दिल्ली से आएंगे 7 और 8 बजे के बीच में तो वही जब लोग काम करके वापस आ रहे होते हैं। तो काम सबके पास है, रोज़गार दिल्ली में है या कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा जो कमी है, जिन पर मेरा विचार है कि सरकार के साथ मिलके करें, चाहे उनके साथ बैठें या उनके विपक्ष में बैठें, भाई हमारा जो है ना हमारी आवाज़ सुननी चाहिए, हमारे लोगों को यहाँ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनकी जो सुविधाएं उनको मुहैया करानी चाहिए। एक और अभी अभी आप देखेंगे तो जो हरियाणा सरकार है वो अल्पमत में आ चुकी है इस समय, बीजेपी के पास इतने वो नहीं है MLAs के वो अपने आप को प्रूव कर सके। ये है कि फ्लोर टेस्ट 6 महीने तक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो अल्पमत में है। तो आप किस तरीके से इसे देखते हैं, अब की जो राजनीति है वो जोड़ तोड़ वाली राजनीति, और मतलब फिर आप कहते हैं कि डेवलपमेंट भी हो, ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक जो बहुमत में सरकार होती है उसके लिए बहुत आसान होता है कि भाई वो ऐसे निर्णय ले, कड़े निर्णय ले। तो आगे आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए आप क्या बताएंगे कि किस विजन पे आप कार्य करें, या मतलब कोई पार्टी आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं? मैं सीधा सीधा पूछूं तो घुमा फिरा के नहीं पूछता। पहला सवाल आपने किया कि अल्पमत में आ गए हैं, देखिए वो एक बड़े लेवल की बात है जहाँ पे जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता है जब तक कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि 3 अगर छोड़ के गए हैं तो हो सकता है और भी वापस आ जाएं, और पार्टियों में आज हैं वो एब्सेंट हो जाएं, मतलब देर बहुत सारे तरीके हैं उसमें अपनी सरकार को जो है ना वो करने के। पर लेकिन मुख्य बात ये है कि भाई एक सरकार ऐसी हो जो पूर्ण बहुमत से हो और उसमें सबका विश्वास हो और जो लोगों के लिए काम करे, खाली सिर्फ और सिर्फ चंद मुद्दों पर जो है सरकार निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर लोगों के बीच जाकर उनके लिए काम करेगी तो मुझे लगता है वो सरकार हरियाणा में दोबारा भी आ सकती है, नई भी आ सकती है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। वो वाला सवाल मिस कर दिया आपने, वो पार्ट। दूसरा सवाल का मैं जवाब ये दूंगा कि आज इसी विषय में, क्योंकि चुनावी माहौल है, 25 तारीख को वोट डालनी है यहाँ पे सबने हमने मिलकर, तो उसी विषय में आज मैंने सभी अपने जो मेरे परिवार के सदस्य है, सदस्य जो मेरा फरीदाबाद का जो निवासी हूँ मैं समझता हूँ वो मेरा परिवार का सदस्य है, तो जितने मेरे भाई बंधु मेरे दोस्त यार सब जो मेरे से जुड़े हुए हैं जिन्हें मुझसे आशाएं हैं उम्मीदें हैं, उन सब की एक बैठक बुलाई, सब ने अपने विचार विमर्श किया, सब ने अपने विचारों को प्रकट किया, तो अंत में फैसला ये लिया क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से भी जुड़ा हूँ, मेरे पिताजी एक पर्टिकुलर पार्टी में हैं, तो उनकी भी जो सहमति लेकर आज उनसे बात कर कल कोई निर्णय पर पहुंचूंगा मैं। ये कल के लिए टाल दिया। अब मैं एक सवाल और आपसे पूछूंगा कि आपने कांग्रेस के साथ भी कार्य किया है, कांग्रेस के लोगों के साथ भी, उसमें अगर मैं पर्टिकुलरली अभी जो बयान सैम पित्रोदा जी ने दिया बाहर, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं ओवरसीज़ के, उनका बयान के नॉर्थ ईस्ट वाले चाइनीज़ लगते हैं, गुजरात वाले अरब लगते हैं, वो कश्मीर वाले तो अंग्रेज़ लगते हैं, नीचे वाले अफ्रीकन लगते हैं, उसके बारे में कोई टिप्पणी? नहीं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं तो समझता हूँ ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए। देखिए हिंदुस्तान इतना डाइवर्स एक जो है देश है जहाँ पे हर जो है प्रकार के लोग, चाहे वो मतलब रंग के भेदभाव हो या कोई स्थान के हिसाब से भेदभाव हो, हर तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं और अंत में सब हिंदुस्तानी हैं, सब भारतीय हैं,
तो इस तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल उचित नहीं है, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है ये। और हिंदुस्तान पहले से इतना डाइवर्स है, उसको यूनाइट करने की कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को, बजाय कि उसको आपस में दो फाड़ करें कि साउथ इंडिया अलग, नॉर्थ इंडिया अलग, नॉर्थ ईस्ट अलग, ये अलग दिखते हैं, वो अलग दिखते हैं। ऐसा ना करते हुए हमें लगना चाहिए अगर भारतीय है तो भारतीय है वो। तो सर एक सवाल और मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि अब आपका कोई जो विज़न ये फेराडाइज है, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप, फरीदाबाद की पर्टिकुलर जनता से आपकी क्या अपील होगी, और क्या भविष्य में जनता से भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं नेता की कि भाई वो इस तरीके से जुड़ के कार्य करें कि साथ में एक अच्छा विज़न आप लेके चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो जनता से कोई अपील? जनता क्या, मैं तो सबको अपना परिवार का सदस्य बताऊंगा, सब मेरे भाई बहन, मेरे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, तो सभी से उम्मीद, देखिए जितनी उम्मीदें उन्हें मुझसे है ना, मुझे भी उनसे उम्मीदें हैं। वो मुझे इतनी आशा भरी निगाहों से जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि मतलब अपना जीवन न्योछावर करके इन्हीं काम में लग जाऊँ, तो उन्हीं का जो ये उम्मीदें हैं उन्हीं को देखकर मुझे लगता है मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरे को कार्य करने की एक क्षमता आती है मेरे अंदर, और मैं सोचता हूँ कि अगर किसी गोल पर पहुँचूँगा, कहीं मुकाम पर पहुँचूँगा, तो मैं इन सब की आशाओं पर खरा उतरूँगा। लेकिन बदले मैं भी ये भी चाहता हूँ कि ये सब मेरे साथ खड़े हों। इन्हीं के विचारों को आज मैंने सुना और बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सबने एक ही बात कही कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ आपको जानते हैं, आप जिस पार्टी में रहेंगे, जहाँ रहेंगे, हम आपका साथ देंगे। तो मुझे इस बात पर बड़ा गर्व हुआ कि इतने लोग जो जुड़े हुए हैं, ये सब जो एक काबिले, मतलब मुझे अपने ऊपर अच्छा लगा कि इतने भाई और बंध मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि इसी तरह से वो जुड़े रहें। और क्योंकि मेरी नियत साफ है, मेरे को कोई अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं है, मेरा सिर्फ एक ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने साथ जो जुड़े हुए हैं, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, हो सके तो अपने देश के लिए कुछ करूँ, ताकि जो अपने जीवन को मैं सफल बना सकूँ। एक नेता के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसकी जनता, उसके पीछे खड़ी हुई जनता उसकी ताकत होती है नेता के लिए। और मुझे लगता है कि मनमोहन भडाना जी के लिए जो इनकी जनता है, मतलब इनका परिवार है, वो इनके सपोर्ट में खड़ा है, और जिसका परिवार सपोर्ट में होता है, मुझे लगता है उसको फिर आप देख ही सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है, कहाँ से फर्श से अर्श पर पहुँचाने वाली है। तो आशा करता हूँ कि ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सवाल का जवाब देने के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से 4 जून के बाद भी, क्योंकि अभी आपने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, वो वाला क्वेश्चन स्किप हो गया है, तो मुझे लगता है कि जीत के बाद और एक विज़न आप जब क्लियर हो जाए, क्योंकि जब आप परिवार से भी बात करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, उसके बाद भी एक छोटा सा इंटरव्यू दोबारा होगा, मैं आशा करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।